जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का बयान, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिम्मा हमें सौंप देना चाहिए। रामलला जहां विराजमान है वहां स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराएंगे। हम विधि विधान और शास्त्रों के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। हम कौशल्या की गोद में बैठे राम की स्थापना करना चाहते हैं, धनुर्धारी राम की नहीं। राम मंदिर का निर्माण भव्य विशाल होना चाहिए क्योंकि करोड़ों लोग राम के दर्शन करने आएंगे। यही हादसा हुआ तो भगदड़ मचेगी। कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर की तरह होना चाहिए मंदिर। हमारा दावा बनता है कि राम जन्मभूमि हम लोगों को मंदिर बना राम आलय बनाने के लिए सौंपी जाए, और अगर हमें सौंपी जाती है तो हम उसका विधिवत निर्माण करेंगे, शास्त्रोक्त विधि से करेंगे, और पॉलिथिन में जो भगवान हैं उनको पहले हम सोने का मंदिर छोटा सा बनाकर उनमें रखेंगे, पॉलिथीन से हटा देंगे, और उसके बाद जब मंदिर बनेगा तो फिर उनको वहाँ स्थापित करेंगे। और हम लोगों की भावना ये है कि धनुर्धारी राम के रूप में नहीं, कौशल्या की गोद में जो रामलला है जिनकी भगवान शंकर आराधना करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदश अजर में हारी, काग भुसुंडी जी बालक रूप राम कर ध्याना, मुहि बतायो मुहि भगवाना, तो वो मूर्ति वाला मंदिर हम बनाना चाहेंगे। और जो इन लोगों ने ढांचा तैयार किया है सोमपुरा से, इसके पत्थर तराशे जा रहे हैं, वो बहुत छोटा है। कल्पना कीजिए, अब जो समय आ रहा है, लोग मोबाइल से तत्काल एक जगह की जगह दूसरे देश तक पहुँच जाती है, तो जब उसकी प्रतिष्ठा होगी तो करोड़ों आदमी वहाँ आ जाएगा। और अगर छोटा मंदिर रहा तो जो लोग भीतर घुस जाएंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे, और बाहर के लोग भीतर ठहरेंगे तो न जाने कितने लोग मर जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अंकोरवाट का, कंबोज का, अंकोरवाट का जो विशाल मंदिर है उस विशाल मंदिर के नमूने का वहाँ पर बनाया जाए। और अभी जो न्यायालय ने फैसला दिया है,